इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है और यहाँ से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ान भर चुकी है। इसी के साथ ही इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इस साल 40 लाख यात्रियों के आंकड़े को भी छू गया है। ये संख्या वर्तमान में टर्मिनल की कुल क्षमता है। अब नया टर्मिनल अगले साल में जरूरी हो जाएगा। इस कारण एयरपोर्ट का विस्तार 785 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसका पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। योजना के अनुसार विस्तार के बाद एयरपोर्ट की क्षमता हर साल 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। ये प्लान 2022 तक के हिसाब से होगा। नया टर्मिनल वर्तमान टर्मिनल भवन से 3 गुना बड़ा बनाया जाएगा। शासन द्वारा इस हेतु 20.84 एकड़ जमीन के आवंटन और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वहीं 18,000 स्क्वायर मीटर की वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 700 यात्री प्रति घंटा है और नए प्लान में ये संख्या करीब 3 गुना यानी कि 48,000 स्क्वायर मीटर की होगी और उसमें प्रतिदिन यात्री क्षमता वर्तमान से 4 गुना यानी कि करीब 2800 की होगी। इस टर्मिनल की सालाना यात्री क्षमता 1 करोड़ हो जाएगी। नई बिल्डिंग बन जाने के बाद दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर यहां भी अराइवल और एग्जिट यानी फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। डिपार्चर फर्स्ट फ्लोर से किया जाएगा और अराइवल ग्राउंड फ्लोर पर होगा। वर्तमान और नई टर्मिनल बिल्डिंग आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। विस्तार में सेंट्रल व ATC टावर, एयरपोर्ट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा विमान खड़े रहने की जगह और 15 विमानों तक की पार्किंग बेस, उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अतिरिक्त रनवे की व्यवस्था, विस्तारित पार्किंग सेंटर, 1000 कारों की मल्टी लेवल कार पार्किंग, फूड जोन, होटल और नया फायर स्टेशन आदि चीज़ें नए प्रस्ताव में तैयार की गई हैं और ये सुविधाएं जल्द ही एयरपोर्ट पर मिलने लगेगी और ये एयरपोर्ट पूरी तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रूप ले लेगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.